भाई साहब जी, यहाँ यूसुफ जी की दुकान कौन सी है आप बता सकते हो? जी यूसुफ जी तो मार्केट में बहुत सारे हैं, कौन सी यूसुफ की बात कर रहे हो आप? उनको मास्टर जी भी कहते हैं। देखो वैसा मास्टर जी भी बहुत है यहाँ पर, लेकिन हाँ एक यहाँ साथ में ना दुकान है, इसमें मास्टर जी बैठते हैं, आप उनसे पता कर लीजिएगा। ठीक है भाई साहब। ठीक है भाई। ये यूसुफ जी की दुकान है। यूसुफ मास्टर जी? अच्छा मास्टर जी की। हाँ ये रे। आगे है, आगे देख लो मास्टर जी आगे है। ठीक। हाँ भाई क्या बात? आप मास्टर जी हो? मास्टर जी से मिलना, आगे बैठे हैं, मिल लो। हाँ जी। अरे भाई कुछ बोलेगा भी, क्या बात, क्या चाहिए? यूसुफ। हाँ यूसुफ जी। मुझे नहीं पहचाना? ना। मैं विशु। विशु? और विशु, अरे भाई आ जा एक बार अंदर आ जा, बहुत दिन बाद आया यार। और आ जाओ, हटे ना सिर, आओ बैठो। अचानक यहाँ कैसे? वो बस मैंने सोचा कि आज यहीं आया हुआ था मैं। अच्छा। हाँ तो बस सोचा कि तेरे से मिलता हुआ चलूं। बहुत ढूंढा दुकान, फिर किसी ने बताया कि यहाँ पे मिलोगे। अरे साले पहचान में नहीं आ रहा तू तो यार, क्या दाढ़ी वाड़ी बढ़ा ली, क्या हाल कर लिया तूने ये? अरे कुछ नहीं यूसुफ, बस वही होता ना, बस ऐसे ही थोड़ा शौक के लिए बढ़ा ली मैंने, सोचा आजकल ना थोड़ा फैशन चला हुआ है। बदमाशी में आ गया? बदमाशी में? अरे नहीं नहीं वहां की बदमाशी। चल मैं एक मिनट चाय बोलता हूँ तेरे लिए। अरे पिंटू चाय ले गाना जरा। क्यों परेशान हो रहे? कोई नहीं है, आ जाती है। From Bollywood City. और शादी तो कर ली होगी? कैसी बातें पूछ रहा हूँ, इस उम्र में तो शादी हो ही जाएगी। कितने बच्चे हैं? दो बच्चे। दो बच्चे। तुम्हारे? मैं तुमसे आगे निकल गया, तीन है। चलो मैं चलता हूँ फिर। अरे रुकता है यार, शाम को घर चलते हैं, कल जाना ठीक है आराम से। नहीं नहीं मुझे काम है, चलो मैं चलता हूँ। चलो कोई बात नहीं। एक मिनट विशु। पर मैंने तो पैसे मांगे ही नहीं। मांगने की जरूरत भी नहीं है। From Bollywood City. चलो मैं चलता हूँ। ठीक। चलो चलता हूँ मैं। आना फिर टाइम निकाल के। ठीक है बाय बाय। कौन था भैया ये? ये दोस्त था मेरा बहुत पुराना। क्या करने आया था यहाँ? मिलने आया था भैया। उन्होंने तो आपसे पैसे मांगे भी नहीं और आपने उन्हें पैसे भी दे दिए। पता क्या, ये मेरा इतना पुराना दोस्त है, मतलब सब ये कह लो सबसे पहला दोस्त मेरा यही था। आज से 20-25 साल पहले हम इकट्ठे काम करते थे, एक ही जगह पे इकट्ठे रहते थे, बहुत एक दूसरे के काम आते थे। पता ये क्यों आया यहाँ पर? From Bollywood City. इसे शायद मैं ना आखिरी उम्मीद दिखाई दे रहा हूँ।
इसे ज़रूरत थी मेरी। इस चारों तरफ निराश होने के बाद है ना, इसे मेरी याद आई, एक लास्ट उम्मीद इसने माना मुझे, ये ढूंढता हुआ मुझे जब आया, और इसने कहा ना उसने तो पैसे नहीं मांगे। दोस्त वो होता है जो बिना कुछ बोले दोस्त की बात समझ ले। पता क्या होता, लोग बाग जब ये आते हैं ना, दोस्त आता कुछ अपनी प्रॉब्लम लेके, तो हम उससे कहलवाना पसंद करते हैं कि भाई ये मुँह से बोले मुझे क्या प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम बताए फिर मैं उसकी हेल्प करूँ। नहीं, ऐसी नौबत आने क्यों देते हो कि वो अपने प्रॉब्लम रोए तुम्हारे आगे या बोले। आप पढ़ लो ना, चेहरा पढ़ो उसका, आप दोस्त हो तो जरूर पढ़ लोगे। मैंने उसका चेहरा पढ़ा, वो प्रॉब्लम में था, उसे पैसे की ज़रूरत थी। क्यों मांगने दूसरे में, क्यों मेरे आगे हाथ फैलाए वो, मैं उसे बिना मांगे दूंगा, मेरा दोस्त है वो। दोस्त वही है जो दुख में काम आए, बुरे वक्त में काम आए, समझे ना। वो नहीं कह पा रहा था मुझसे, जा रहा था ना उठ के, लेकिन मैंने तो पढ़ लिया था उसका चेहरा, इसलिए दिए मैंने उसके पैसे। मैंने उसको बोलने नहीं दिया, मजबूर नहीं करा उसको कि मुझे बोले, वो रोए मेरे आगे, मैं उसको जब हेल्प करूं उसकी। दोस्त की मदद करो ऐसी कि उसे बोलने में मजबूर मत करो यार। सही बात है भैया, दोस्ती की मिसाल तो आपने दिया आज, क्या दोस्ती नहीं भाई है, उसके कहे बिना ही आप समझ गए कि उसको क्या परेशानी है। सैल्यूट है भैया आपको। भैया कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं कि अगर दोस्त प्रॉब्लम में हो ना तो उसका हाथ छोड़ देते हैं कि उसकी प्रॉब्लम है वो खुद सॉल्व करेगा, पर आपने तो उनकी इतने अच्छे से हेल्प करी है। उसको दोस्त नहीं कहते, टाइम पास होता है वो। अगर तुमने कभी किसी से दोस्ती करनी है ना तो सच्ची दोस्ती करना, वरना मत करना, ठीक है। Dedicated to all my friends. चलो करो काम, कोई बात नहीं।